Such a remarkable work by Madame Tussauds' team. Ladies and gentlemen, please put your hands together one more time as we are witnessing this momentous occasion. It is such a lifelike figure of Swami Ramdev Ji, and as I said, it's so difficult to figure out that which one is real. The resemblance is really uncanny. With this, I would like to thank all the dignitaries, and I would request them to kindly take a seat in the front row. आवाज कर दो भाई थोड़ी. जब मैंने फिगर देखा तो सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये लगा कि बाल कैसे लगाए. तो मुझे जो मिस्टर टियागो जी हैं जो न्यूयॉर्क से आए हैं, वर्ल्ड के और खास करके उसमें अमेरिका की ज्यादा भागीदारी है, 200 से बड़े आइकॉन्स के फिगर न्यूयॉर्क के मैडम टुसाद जो अट्रैक्शन है उस पर लगाए गए. सभी जो फिगर्स हैं वो कपड़े पहन करके रखते हैं तो उनका पेट और पेट के मसल्स और ये जो हेयर्स हैं ये वैसे तो नेचुरल हेयर हैं, लेकिन ये रामदेव वाले नहीं है. लेकिन उन्होंने मेरे इस फिगर से मैच करते हुए सारे हेयर्स को, एक एक बाल को, अब इसमें कितने हजार हैं या कितने लाख बाल हैं मुझे नहीं पता, एक एक बाल को हाथ से लगाया. और ये मैंने सुबह पूजा के बाद तिलक लगाया था तो बोले बाबा जी आप ही लगा दो. अब इस पूरे पुरुषार्थ में 2018 में मैं मैडम प्रसाद का जो लंदन का अट्रैक्शन है वहां पर गया था. वर्ल्ड में 24 ऐसे अट्रैक्शन हैं और न्यूयॉर्क का उसमें सबसे बड़ा है. उसमें जैसे बताया नम्रता ने कि वहां अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी बहू ऐश्वर्या राय है, उनके फिगर्स हैं मतलब, और ऋतिक रोशन है, प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख खान है. ये तो पांच तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं. लेकिन उन सब के साथ वर्ल्ड के 200 रिनाउंड आइकॉन्स के साथ भारत के एक सन्यासी को इन्होंने सम्मिलित किया और आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के योग पर हैं, आयुर्वेद पर हैं. अब तो अमेरिका में भी मेड इन यूएस एंड मेड बाय अमेरिकन्स, अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है. मैंने योग आयुर्वेद स्वदेशी का जो मूवमेंट पतंजलि से चला उसकी लहर अब पूरी दुनिया में. नैतिक एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित ऐसी शिक्षा जिसमें भाषा का बोध हो, विषयों का बोध हो, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके साथ करिकुलम में कैरेक्टर बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड, रूट बेस्ड एजुकेशन पूरी दुनिया को मिले, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य पतंजलि से चल रहा है. और मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा लक्ष्य होगा 5 से 10 लाख स्कूलों में गुरुकुलीय शिक्षा को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि पूरी दुनिया में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और युग निर्माण की एक नई दिशा हमारे यूथ में, हमारे स्टूडेंट्स में ऐसी एक उनका ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से, रिलीजियस टेररिज्म से,
पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट टेररिज्म से पूरी दुनिया को बचा करके सही दिशा में दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिले, उस दिशा में बच्चे आगे, ये समाज, राष्ट्र और विश्व आगे बढ़ सके, ऐसे वर्ल्ड सिटीजन हम देने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब जो हेल्थ सीकर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनको उनके बीपी से, उनके शुगर से, उनके थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से मुक्ति मिले। ये सिंथेटिक मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। और मैडम टुसाड के अंदर ये जो प्रयत्न है, मैंने पूछा भाई तुम एक मोम की प्रतिमूर्ति, उसको जीवंत स्वरूप उसमें प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ये वैक्स फिगर बोलते हैं, उसको प्रतिमा या उसको दूसरे शब्दों से वो नहीं नवाजते कि हम हू बहु उसकी प्रतिमूर्ति उसमें जीवंतता प्रदान करते हैं। तो लगभग 2 करोड़ की लागत इनको लग जाती है, और मेरे जैसा फिगर बनाने में तो शायद कुछ थोड़ा बहुत और ज्यादा ही लगा होगा। तो बात कोष्ट की नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की है। तो वर्ल्ड में ऐसे 24 ऐसे अट्रैक्शन मैडम टुसाड की ओर से बनाए गए हैं, और उसमें भारत और भारतीयता को, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क सिटी में है, और उसमें भारत के एक सन्यासी को इन्होंने स्थान दिया है। हम उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये स्वामी रामदेव का सम्मान नहीं, ये योग का, आयुर्वेद का, ये भारत की सनातन संस्कृति का, जो हमने अपने पूर्वजों से सांस्कृतिक विरासत पाई है, ये उसका सम्मान है। और सबसे ज्यादा लोग वहां पर आते हैं, और वर्ल्ड में आइकॉन केवल हॉलीवुड या बॉलीवुड से ही नहीं होते, वर्ल्ड में आइकॉन केवल पॉलिटिक्स से ही नहीं होते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं होते, केवल साइंटिस्ट ही नहीं होते, सन्यासी भी वर्ल्ड में आइकॉन हो सकते हैं। इसको इन्होंने जो इज्जत दी है, उसको गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा दी है, यह भी इनके एक विजनरी जो एटीट्यूड है उसको दर्शाता है। तो आज मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने कहा लग तो मेरे जैसा ही रहा है। तो लेकिन जैसे नम्रता कह रही थी, एक मैन मेड ये पुरुषार्थ है, और एक गॉड मेड स्वामी रामदेव आपके सामने है। तो जब मैं मैडम टुसाड अट्रैक्शन लंदन में गया, तो करीब 200 तरह से मेरा मेजरमेंट लिया गया, अब तो मैं भूल भी गया उसको, और खड़ाऊ के साथ ही था, अभी भी हम खड़ाऊ पर ही खड़े हैं, एक खड़ाऊ बगल में है तो एक खड़ाऊ खाली भी रखे, इन्होंने हर बार से मंगवा ली थी। तो आज ये, क्योंकि ये तो प्रतिमा है ना, ये एक ही एक्शन कर सकती है, मैं तो कई कर सकता हूं। कुछ पूछ रहे थे फिगर की मैचिंग इतनी अच्छी कैसे है, मैंने अपने फिगर को बिगड़ने नहीं दिया ना। 2018 का ही है जो उन्होंने माप तो लिया था, माने थोड़ी से लेकर के चोटी तक, हाथ से लेकर के इसके, मैंने देखा नाखून भी जैसे मेरे हैं वैसे ही मैच किया, कुछ थोड़ी बहुत 5 सालों में चेंज आ जाए तो इनके सिंगापुर से ये कलर मैचिंग वाले स्पेशल आर्टिस्ट आए हुए, 200 आर्टिस्ट लगे हैं इसके बनाने में, 200 तरह के मापदंड अलग अलग तरह से उसको माप करके, सामने से लेकर के, पीछे से लेकर के, माने ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। और अब मैं तो इतना ही कहूंगा, हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते चले, लोगों को एक प्रेरणा मिले, मेरा सपना है,
मैं अपने जैसे विचार, सोच और रचना धर्मिता को जीने वाले ऐसे योग पथ पर और कर्तव्य पथ पर बढ़ने वाले कुछ लोग हिंदुस्तान में, और खाली हिंदुस्तान में क्यों, पूरे जहान में, पूरे विश्व में, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम माना, तो पूरे विश्व में ऐसे रचना धर्मिता वाले लोग तैयार हों जो योग के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते चले, कर्म योग के पथ पर आगे बढ़ते चले। जैसे हमने पिछले दिनों हिंदुस्तान में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी, अब ये राष्ट्र मंदिर की प्रतिष्ठा हो, जन जन में मानवता की प्रतिष्ठा हो, यही तो राम राज्य का हमारा सपना है। राम राज्य कोई ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी नहीं है, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। राम जैसे आदर्शों पर, राम जैसी मर्यादाओं पर, उनके पदचिन्हों पर, उनके चरित्र के अनुरूप अपने चरित्र को बढ़ाते हुए हम जीवन के पथ पर आगे बढ़े, एक सपना है। और यदि भारत के संदर्भ में कहूं तो 140 करोड़ में से कुछ बच्चों, कुछ बीमारों, कुछ बुजुर्गों को छोड़ दिया जाए तो 100 करोड़ लोगों के 200 करोड़ वर्किंग हैंड्स हैं, और ये सारे जब राष्ट्र के सृजन में लगे और वो बीमारियों से, बुराइयों से, तमाम तरह की विद्रूपताओं से, तमाम तरह के प्रमादों से, ईगो इग्नोरेंस से मुक्त होकर के जब सृजन में लगे तो भारत आने वाले मात्र 10-20 सालों में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी ही नहीं, आर्थिक महाशक्ति के साथ एक सामाजिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक महाशक्ति हो सकता है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़े, आज बहुत पुरुषार्थ किया है। एक बार हम मैडम प्रसाद की ओर से जितनी भी यहाँ पर टीम आई हुई है, हमारे मिस्टर तियागो जी से लेकर के एक यहाँ बैन भी है, अब वो बैन है कि बेन है कि बहन है कि भाई, ये पता नहीं लगता है। मिस्टर बैन सेंडर ये, लेकिन बहुत बहुत मेहनती बालक है। तो हम अपने भाई तियागो जी के साथ, बैन जी के साथ, हमारे इंडिया के जो हेड हैं भाई अंशुल जैन जी, उन सहित ये पहली बार माता सुनीता, इंडिया वाले खोजते रहते हैं स्वामी रामदेव को स्कॉटलैंड में लगभग 1000 एकड़ का टापू आइलैंड किसने दिया, वो ये माता यहीं पर बैठी। कोई छिपावा एजेंडा नहीं है, हमने पतंजलि शुरू किया आज से लगभग 20 साल पहले, 75 करोड़ रुपए इन्होंने सीड के रूप में दिया, बीज के रूप में, हमने वापस लौटा दिया इनको। लेकिन एक तरफ हमारा ट्रस्ट का कार्य था, और ये भी सारा अर्थ परमार्थ के लिए है। आज 45,000 करोड़ रुपए का पतंजलि का टर्नओवर है, 1,00,000 करोड़ का लक्ष्य है। बहुत सी एमएनसीज को हमने शीर्षासन कराया क्योंकि शीर्षासन हमको बड़ा प्रिय है, और एक कंपनी आगे बची है पतंजलि से, उसका नाम है यूनिलीवर। अब लक्ष्य है हमारा 5 वर्षों में 5,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ पतंजलि यूनिवर को भी पछाड़ देगा, ये लक्ष्य है। और ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए होगा, स्वार्थ के लिए नहीं। पूज्य आचार्य भाषण जी यहां पर बैठे, आज से 30-32 साल पहले हरिद्वार से हमने जब जर्नी स्टार्ट की, आपने क्योंकि आज मेरे बारे में इनको कहना था, तो अलीपुर गांव से एक अनपढ़ माँ बाप के साधारण परिवार के घर से यात्रा शुरू हुई। श्रद्धेय आचार्य भाषण जी के भी पिताजी एक बहुत, माता जी बहुत साधारण गृहिणी और एक साधारण परिवार, और वहां से हमने शून्य से ही यात्रा प्रारंभ की। लक्ष्य है हमारा इस भारत को आर्थिक प्रगति में, आध्यात्मिक प्रगति में हम विश्व का सिरमौर बनाएं। हम भारत को मात्र एक देश नहीं मानते, भारत माता की मिट्टी को खाली मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते, हम इसको मां मानते, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, और इसको हम शिखर पर देखना चाहते हैं। और उसमें योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के साथ भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था और हमारी जो सांस्कृतिक ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान
और अनुसंधान की हमारी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम नए सोपान दे सकें, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। और आज का यह एक ऐतिहासिक क्षण, उसमें आप सब यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, आपके कोई क्वेश्चन हो, मुझे कहा गया क्योंकि मैं तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और वैश्विक सभी संदर्भों में बात करता हूँ, तो आज मुझे लगता है स्वामी रामदेव, पूज्य आचार्य भाष्य जी और पतंजलि का जो योगदान है, उसकी जो रचना धर्मिता है, मैंने योग और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए हम जो कुछ दुनिया के लिए देना चाहते हैं और करना चाहते हैं, उसी संदर्भ में क्वेश्चन होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी तो आप मालिक हैं, कोई किसी का क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। Getting your words of wisdom and enlightening all of us. So we are opening the floor for media interaction. You all are requested to kindly keep your questions pertaining to the current occasion. Please raise your hand if you have a question. Baba Ramdev ji, मेरा प्रश्न है, मैं एस के भारद्वाज हूँ ग्लोबल वॉइस न्यूज चैनल से। सर मेरा प्रश्न ये है कि अभी वर्तमान में जो सरकार है वो आपके फेवरेबल है, आप उनको मदद भी करते हैं, परंतु जब हमने देखा सम्मान के बारे में तो बिहार के एक व्यक्ति को अभी सर्वोत्तम सम्मान मिले हैं, जबकि ऐसा लगता है और देखा जाता है कि आपका जो कार्य है उनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, कहीं ज्यादा आप उत्तम कार्य कर रहे हैं, फिर ये सम्मान आपको क्यों नहीं? आपके सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं मानता हूं कि जो भी भारत में की मिट्टी में पैदा हुआ है वो हर व्यक्ति भारत रत्न है, और उसको ऐसे प्रयत्न करना चाहिए। हर भारत की मिट्टी में पैदा हुआ व्यक्ति भारत रत्न है, उस भारत रत्न को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि मैं इस भारत माता का गौरव विश्व में प्रतिष्ठापित करने के लिए क्या योगदान कर सकता हूं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पद्मश्री, पद्म भूषण और विभूषण तक के ऑफर्स आए थे, मैंने उनको ठुकरा दिया था, खाली भारत रत्न के बारे में भी बात नहीं हुई थी, उसके लिए आपने बात कर दी, उसके लिए धन्यवाद। मेरी दरख्वास्त है हमारे सभी मीडिया मेंबर्स से कि जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं प्लीज आप उसको करंट ओकेजन तक ही सीमित रखें। स्वामी जी इधर संजय अग्रवाल। स्वामी जी ये जो मैडम सोसाइटी न्यूयॉर्क ने ये जो बनाया है इमेज, तो इसमें आप जान कब फूंक रहे हैं, कौन सा अनुष्ठान करेंगे और इसमें जान कब फूंक रहे हैं? अब प्राण प्रतिष्ठा इधर है और मनुष्य की प्रतिभा की प्रतिष्ठा इधर है, तो इसलिए आज हमने इसमें जो प्रतिभा है उसको गौरव दे दिया है। बाकी ये बड़ा गहरा प्रश्न है कि क्या किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी होती है? तो जो अदृष्ट सत्यों में विश्वास नहीं रखते वो तो प्राण प्रतिष्ठा को नकारते हैं, उसको एक अविवेकपूर्ण कृत्य कहते हैं, लेकिन जो भारत की विश्वास की परंपरा है और जो धर्म जो अदृष्ट तत्व है जो अमूर्त पर आधारित है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा भी एक सत्य तत्व है। स्वामी जी जी सनातन धर्म में जो जीवित पुरुष हैं, जो सनातनी हैं, आप जो है योग हैं, क्या उनकी मूर्ति स्थापित की जा सकती है सनातन धर्म में? बाकी और तो सब चल जाता है। सनातन धर्म में व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, तो ये जो इसलिए हमने इसको ना मूर्ति बोला, ना इसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा की, ना इसकी कोई पूजा हो रही है। अब कोई इसकी पूजा करेगा तो दाढ़ी फूंक डालेगा। तो इसलिए यहां मैडम तुसाद म्यूजियम में ना इसके ऊपर माला डाले जाने वाली है, ना इसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ना ही इसकी पूजा होने वाली है। इसलिए ये प्रेरणा के लिए है। तो ये इसलिए ये मोम का फिगर है, वैक्स फिगर है, ये कोई मूर्ति प्रतिमा पूजन नहीं है।
इसलिए सनातन धर्म के अनुरूप है। व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, क्या रोल मॉडल और आइकॉन्स मैटिस्टिक वर्ल्ड से ही हो सकते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी रोल मॉडल हो सकते हैं। जो इन्होंने गौरव दिया हम उसका सम्मान करते हैं। जी भाई साहब। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम त्रिलोक मलिक, एमी नॉमिनेटेड फिल्म मेकर, आयुर्वेदा प्रमोटर इन न्यूयॉर्क सिटी। मैं पूरे इंडियन अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं उनकी तरफ से आपको प्रणाम करता हूं और आपके स्टैचू का न्यूयॉर्क में वेलकम करता हूं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। बहुत जल्दी हम टाइम्स स्क्वायर पर जाएंगे और इनके म्यूजियम में खुद जो 200 से ज्यादा वहां आइकॉन्स के जो फिगर्स लगे उसके साथ भी नजर आएंगे और कुछ मीडिया वालों को भी लेके चलेंगे, चिंता मत करिए। वेरी गुड सर, थैंक यू। इंडियन मीडिया को भी लेके। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, सो वी आर टेकिंग जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। प्रणाम बाबा जी। मेरा नाम मुर्तजा अली खान है, मैं एक कल्चरल राइटर हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, बहुत खुशी होती है। भारत विश्वगुरु एक्चुअली में अगर बन रहा है तो उसमें एक आपका बड़ा योगदान है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ बाबा जी कि आने वाले 5-10 साल में आपकी एरिया ऑफ प्रायोरिटी क्या रहेंगे? ये तो आपने बता दिया कि आप यूनिलीवर को पीछे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन योग को आप कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? ऑलरेडी हर कोई कर रहा है, लेकिन अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? योग आधारित शिक्षा, योग आधारित चिकित्सा। मैं भारत के सारे स्कूल और कॉलेजों को गुरुकुलीय शिक्षा में तब्दील करना चाहता हूं, योग मूलक शिक्षा। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको, जैसे हमने पतंजलि वेलनेस का, योगक्रम निरामयम का, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित चिकित्सा का एक नया मॉडल देश में देखना चाहता हूं। योग मूलक शिक्षा, योग मूलक चिकित्सा, योग मूलक अनुसंधान, योग और कर्मयोग के कर्तव्य के पथ पर चलते हुए योग मूलक कृषि, विषमुक्त कुदरती खेती, जिस तरह से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, चारों तरफ पोल्यूशन, हवा, मिट्टी, जल सब कुछ दूषित हो गया, कई प्रकार से व्यक्ति के जीवन को इस तरह से संकट है, जैसे आज बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लाइफ डिजीज कही जाती है। यदि हम नहीं रुके तो कल को कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज में हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं चारों तरफ समाज में योग और आध्यात्मिक मूलक एक व्यवस्था हो, वही मेरा नेक्स्ट टारगेट है। अब मैं 5-10 आसन और कर देता हूं, बाकी जो है कार्यक्रम आगे चले ही गया। हम अब please settle down. Yeah. What a remarkable sight. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Swami Ramdev Ji. My God. रामदेव है ये कहीं गिर ना जाए। तो व्हाट एन इनक्रेडिबल साइट ऑन द स्टेज, कैन वी ऑल पुट आवर हैंड्स टुगेदर। तो
अद्भुत। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर गिविंग अस योर टाइम टूडे। एंड मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मैडम टुसॉड्स न्यूयॉर्क पूरे विश्व की सबसे ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन है और ये वैक्स फिगर मैडम टुसॉड्स की सबसे बड़ी अट्रैक्शन बनने वाला है। आई एम 100% श्योर ऑफ दैट। विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टूडे। थैंक यू सो मच स्वामी जी एंड थैंक यू टू ऑल द डिग्निटरीज। एक बार आप सभी से दरख्वास्त है कि प्लीज मंच पे आए और एक ग्रुप पिक्चर हमारे साथ ले। एंड ऑल द मीडिया पर्सनल, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रोसीड फॉर लंच। वी हैव अ वेरी सम्प्शुअस मील अरेंज्ड फॉर ऑल ऑफ यू। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रोसीड फॉर लंच। Thank you.